हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सोनू सूद स्टार फिल्म तूतक तूतक तूतिया। जी हाँ, ये फिल्म रिलीज होने वाली है अक्टूबर 7 को, करीबन करीबन एक महीने बाकी है। और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर देख के मुझे इतना एक्साइटमेंट हुआ, मतलब इतनी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि आपको क्या बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ कि 2.5 मिनट तक का करीबन करीबन ट्रेलर है ये, और जिसका जो नरेशन किया है, मतलब इंट्रोडक्शन किया है ट्रेलर का, वो है शाहरुख खान ने किया है। शाहरुख खान ने स्टार्टिंग की है ट्रेलर की। और कहीं ना कहीं सोनू सूद के अच्छे दोस्त है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान इंडिया में नहीं थे आपको बता दूँ। और शाहरुख खान से जब सोनू सूद ने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरी ये ट्रेलर है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक नरेशन करें, आप इसमें आवाज़ दें ट्रेलर के लिए, तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान स्टार्टिंग में थोड़ा हिचके क्योंकि वो बाहर थे, बिजी थे। पर कहीं ना कहीं क्रोटेरिया आई थिंक वहाँ पे शाहरुख खान थे, और जाके वहाँ से स्टूडियो में जाके उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड करके अपना प्रॉपर एक भेजा यहाँ पे, जिसे ट्रेलर में इंक्लूड किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ट्रेलर में कहीं ना कहीं जान आ गई है शाहरुख खान की आवाज़ से। वहीं इस फिल्म में फराह खान भी होंगे छोटे से रोल के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डांस है ये फिल्म में तूतक तूतक तूतिया में। वो इसलिए क्योंकि जिस फिल्म में प्रभु देवा होगा उस फिल्म में डांस तो ज़रूर होगा। प्रभु देवा इस फिल्म में है, सोनू सूद इस फिल्म में है, और साउथ की बहुत फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी इस फिल्म में एज ए लीडिंग लेडी है। तो ये तीनों एक्टर्स अपने आप में कमाल के हैं। और आप तो पता ही है सोनू सूद कितने फेमस है साउथ इंडस्ट्री और हिंदी सिनेमा में, और प्रभु देवा की फिल्में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आप एक एंटरटेनिंग होती है, और साउथ का जो फ्लेवर लाते हैं वो जो उनकी डांसिंग होती है वो काफ़ी कमाल हमेशा रहती है। इस 2.5 मिनट के ट्रेलर में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये फिल्म कहीं ना कहीं हॉरर कॉमेडी होगी। जी हाँ, हॉरर फिल्म हमने बहुत देखी है, कॉमेडी फिल्म में हमने बहुत देखी है, बट पहली बार किसी फिल्म में इस तरह का एक नया चीज़ें की जा रही है, वो कि हॉरर कॉमेडी, मतलब आपको डराएगी फिल्म और हंसाएगी दोनों एक साथ करेगी। और जिस हिसाब से मुझे ये लगा ट्रेलर, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसका जो गाना है और इसका जो म्यूजिक है, मुझे एक पहली बार तो बहुत पसंद आया है। आपको बता दूँ, कुछ ज़्यादा पुराने कोई इसमें म्यूजिक कंपोजर्स नहीं है, सोनू सूद ने 3 नए कंपोजर्स को लिया है म्यूजिक के लिए, और उन्होंने सच में बहुत अच्छा कमाल किया है। फिल्म का जो पहला गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जो सड्डी रेलगाड़ी आई, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये ट्रेलर भी मतलब दावे से मैं कह सकता हूँ ट्रेलर देखने के बाद भी कि ये फिल्म भी काफ़ी अच्छी चलेगी। और इसके अलावा फिल्म 3 अलग मतलब इसके अलावा फिल्म 2 और लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, तमिल और तेलुगू में। तमिल में इस फिल्म का नाम कहीं ना कहीं देवी होगा, और तेलुगू में इस का नाम अभिनेत्री होगा, और इसे डायरेक्ट करे एल विजय। तो एल विजय, ये तीनों लैंग्वेज में फिल्म एक्चुअली अपने मतलब तीन बार शूट होगी, हिंदी में, तमिल में और तेलुगू में। और सोनू सूद बहुत अच्छा तेलुगू और तमिल बोलते हैं, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तमन्ना भाटिया भी साउथ की है, प्रभु देवा भी साउथ के स्टार है, तो ये तीनों मिलके जो कमाल करने वाले हैं, बहुत अच्छा कमाल होने वाला है। और फराह खान का रोल किस तरह से रहेगा, वो भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ट्रेलर आप देखोगे तो प्रभु देवा का एक मून वॉक होता है, और वो बहुत अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द ट्रेलर में। तो ओवरऑल एक स्मूथ मूवी लग रही है, सोनू सूद कमाल लग रहे हैं, और प्रभु देवा भी एक्टिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा चले। तो किस तरह से जो मूवी रहेगी, किस तरह से और जो इसके गाने आएंगे, आपको जरूर बताऊंगा। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे ये जरूर बताइए। आप अगर देखा नहीं तो ये ट्रेलर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूं, ताकि आप उसे देख सके। तो कुछ और बॉलीवुड खबरें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।